हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मयूस डाइनिंग। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही यमी एंड इजी होती है, तो चलो बनाते हैं। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट। पहले तो गाइस, एक पैन में यहाँ पे मैं 2 बाउल दूध ऐड कर रही हूँ एंड आपको फ्लेम जो है हाई फ्लेम पर रखना है एक उबाल आने तक। यहाँ पर मैं सारा प्रोसेस इंडक्शन पर कर रही हूँ, तो इसका टेम्परेचर अलग होगा। अगर आप गैस पर कर रहे हो तो हाई फ्लेम पर करना है। जैसे ही आप देख सकते हो एक उबाल आ जाएगा, मैं इसका टेम्परेचर कम कर रही हूँ, आपको लो फ्लेम पे करना है। उसके बाद यहाँ पे शुगर पे ऐड कर रही हूँ 1/2 बाउल एंड ये परफेक्ट रेशो है। उसके बाद आपको मिलाना है 1 या 2 मिनट्स के लिए। जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको दूसरे बाउल में यहाँ पर वैनिला कस्टर्ड पाउडर लेना है 2 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिलाने के बाद आपको यहाँ पर तुरंत दूध में ना थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है एंड फ्लेम जो है आपको चालू ही रखना है। देख सकते हो अच्छे से इसको मिलाना है 5 मिनट के लिए। ये कम्प्लीटली मिल चुका है अच्छे से। उसके बाद आपको क्या करना है ना, ये दूसरे कंटेनर में आपको ट्रांसफ़र करना है। आप जैसे ही दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करोगे, उसके बाद जो भी आपके फेवरेट फ्रूट्स हैं ना, इसमें आप ऐड कर सकते हो एंड जो फ्रूट्स आपको इसमें ऐड नहीं करने हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर पढ़ना। एंड जितने भी मैंने यहाँ पे फ्रूट्स दिखाए, बनाना हो, पपाया हो, एप्पल हो, ये सारे इसके इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स है कस्टर्ड रेसिपी के। पोमोग्रेनेट बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एंड ये अच्छे से मिलाने के बाद आपको ये ठंडा होने के लिए बाहर भी रख सकते हो, बट इट्स बेटर कि आप फ्रिज में रखो, क्योंकि ये ठंडा ठंडा खाने में ना बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है एंड ये हर कोई खा सकता है। सबको पसंद आने वाली रेसिपी है एंड आपकी जो ये कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो टोटली चेंज है। कलर, थिकनेस, ये सब कुछ बदल जाता है। आपको और भी गाढ़ा चाहिए ना, तो आप ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी गाइस रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना एंड आपको जो भी आपको मुझे फीडबैक देना हो ना, वो भी ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस। थैंक यू।